क्रूज में पार्टी करने के दौरान ड्रग्स लेने के आरोप में 23 दिन की जेल काटकर आए बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का स्वागत एक सेलिब्रिटी की तरह किया जा रहा है। अब हमारे भारत में दीपावली पर भले ही पटाखे बैन हो, किंतु शाहरुख खान के बंगले मन्नत के सामने उनके समर्थक खुशी में पागल होकर पटाखे फोड़ रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और नाच रहे हैं। भले ही आर्यन खान ने अभी तक एक भी फिल्मों में काम नहीं किया हो, किंतु उनके समर्थकों का पागलपन देखकर यही लग रहा है कि जैसे वो एक बड़े सेलिब्रिटी बन गए हों। और भैया, इतना स्वागत तो उन खिलाड़ियों का भी नहीं किया जाता है जो स्वर्ण पदक लाकर अपने देश का नाम रोशन करते हैं। और आर्यन ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे देश का नाम रोशन हो, बल्कि उसने नशा किया था और वह कई वर्षों से नशा करता आ रहा है। किंतु उसके लिए युवाओं का जोश देखकर हम सहज ही कल्पना कर सकते हैं कि देश के युवा किस ओर जा रहे हैं। हम अपने बुलंद भारत की कौन सी बुलंद तस्वीर दिखा रहे हैं? अरे, जिस कृत्य पर हमें शर्म करनी चाहिए, हम उसका जमकर महिमा मंडन कर रहे हैं। बाहरी मीडिया बता दे कि अगले महीने की शुरुआत यानी 3 अक्टूबर को ड्रग्स लेने के आरोप में आर्यन खान को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही मीडिया पर उसका महिमा मंडन शुरू हो गया। आर्यन खान क्या खाते हैं, क्यों उदास हैं, सोए कि नहीं, गौरी खान को नींद आई, गौरी खान रो रही हैं, आर्यन ने टट्टी किया कि नहीं, आर्यन ने पिछवाड़ा धोया कि नहीं, मतलब कुल मिलाकर पिछले 23 दिनों से यही लग रहा था कि मीडिया के पास देश में बस एक ही व्यक्ति बचा है खबर दिखाने के लिए, और वह है आर्यन खान, एक बड़े स्टार। अब देखो, मीडिया के लिए वह इसलिए जरूरी था क्योंकि वह एक फिल्म कलाकार शाहरुख खान का बेटा है। 23 साल का युवा जो कई वर्षों से ड्रग्स लेता चला आ रहा है, वह मीडिया के लिए हीरो बन गया। तो वही मीडिया जो किसी गरीब के मरने पर 2 लाइन की खबर चलाती है, किसी गरीब की परेशानियों को नजरअंदाज करती है, सड़क पर भीख मांगने वाले मासूम बच्चों से नजरें चुराती है, वही मीडिया दिन रात आर्यन खान की खबर दिखाकर उसे हीरो बना रही और शायद बना भी दिया है। जो आर्यन अपने बाप की कमाए पैसों को ड्रग्स में उड़ा रहा था, जो अपने दोस्तों के साथ नशे में धुत रहकर अयासी करता रहा, आज उसे मासूम बना दिया गया। आर्यन की रिहाई पर देश के लाखों लोगों ने, जिसमें अधिकतर युवा पीढ़ी है, उसने राहत की सांस ली और खुश होकर पटाखे भी फोड़ रही हैं, खूब जश्न मना रहे हैं, नाच रहे हैं। अब नशा करने वाले एक युवक की रिहाई पर इस तरह मनाई जा रही खुशी जैसे उसने अपने कृत्य से देश का नाम रोशन कर दिया हो। देखिए, अपने बेटे की रिहाई पर शाहरुख खान का खुश होना लाजमी है। हर बाप अपने बेटे को प्यार करता है और जब भी उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो उसका दुखी होना उतना ही स्वाभाविक है जैसे कि उसकी रिहाई पर खुश होना हो। लेकिन जिस तरह देश के लाखों युवा उसकी रिहाई पर खुशी मना रहे हैं, नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, उससे चिंतित होना स्वाभाविक है। आज देश की युवा पीढ़ी नशे की लत में बर्बाद हो रही है, लाखों लोग प्रतिवर्ष मौत के मुंह में जा रहे हैं। अब ऐसे में आर्यन खान की रिहाई पर जश्न मनाना, नाचना और खूब मजे लेना और मीडिया द्वारा उसका महिमा मंडन करना देश की युवा पीढ़ी को किस और ले जाएगी, इसका सहज ही अंदाजा लगा लेना मुश्किल होगा। देखा जाए तो प्रतिवर्ष नशे के कारण लाखों लोग काल के गाल में समा रहे हैं, युवा पीढ़ी नशे के दलदल में धस्ती चली जा रही है और इस दलदल से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। बच्चों के माँ बाप दुखी हैं, उनके चिराग नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं और साले नशे के सौदागर युवाओं के भविष्य को खराब करते जा रहे हैं। अरे भाइयों, यदि युवा ही नशे का प्रयोग करेगा तो आने वाला कल अंधकार में ही होगा। युवाओं के कंधे पर ही देश टिका है, मगर अब यह कंधे भी नशे के कारण थक रहे हैं। युवाओं के नसों में नशा भर चुका है, जवान काया शिथिल हो रही है। नशे के कारण सड़क हादसों में हर साल लाखों युवक बेमौत मारे जा रहे हैं। सरकारों को क्या है, सरकारों को राजस्व प्राप्त होता है, सरकारों को देश के करधारों की कोई फिक्र नहीं है, युवा मर रहे हैं। चंद मिनट के मजे के लिए युवा अपना अनमोल जीवन बर्बाद कर रहे हैं। और अब तो युवक ही नहीं बल्कि युवतियां भी इस नशे की दलदल में फंस चुकी हैं। इसके बावजूद भी नशे के कारण कानून की गिरफ्त में आए आर्यन खान को सिर्फ इसलिए महिमामंडित करना कि वह शाहरुख खान का बेटा है, इससे बड़ा दुर्भाग हमारे देश के लिए क्या होगा। देखिए, बॉलीवुड से ड्रग्स का नाता कोई नया नहीं है। आर्यन खान के पहले भी बॉलीवुड से जुड़े कई लोग ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर सुर्खियां बटोर चुके हैं।
आर्यन खान की गिरफ्त में आने से पहले पिछले वर्ष जब अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी तब भी फिल्मी दुनिया के कई अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के नाम उछले थे। बॉलीवुड और ड्रग्स कनेक्शन की बात करें तो सबसे पहले नाम आया था संजय दत्त का। 1980 के दशक में संजय दत्त भी ड्रग्स के गिरफ्त में थे। उन पर बनी बायोपिक संजू में दिखाया गया कि किस तरह उन्होंने अमेरिका में रहकर इस नशे से आज़ादी पाई। संजय दत्त ने कई बार खुद ही स्वीकार किया कि उन्होंने हर उपलब्ध ड्रग्स का इस्तेमाल किया है। वैसे अब संजय दत्त आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन के सक्रिय सदस्य हैं। फिर 2001 में बॉलीवुड एक्टर फरदीन खान को 1 ग्राम कोकेन खरीदते हुए गिरफ्तार किया गया। फरदीन पर NDPS एक्ट के तहत सेक्शन 20A और सेक्शन 28C के तहत केस रजिस्टर हुआ था। 2012 में स्पेशल कोर्ट ने फरदीन को मुकदमे से राहत दी थी और उसके बाद वह डी एडिक्शन प्रक्रिया से गुजरे थे। फिर फिल्म अभिनेता विजय राज को अबू धाबी में 14 फरवरी 2005 को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया। उस वक्त विजय राज विक्रम भट्ट की फिल्म दीवाने हुए पागल की शूटिंग UAE में कर रहे थे। इसके बाद फिल्म अभिनेता राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर ने एक साक्षात्कार में स्वीकार किया था कि 13 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार ड्रग्स लिया था। एक समाचार पत्र में लिखे खुले पत्र में उन्होंने लिखा कि शुरुआत मरीजुआना और हशीश से हुई, फिर उनका नशा कोकेन और एसिड तक पहुंच गया था। उसके बाद फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी खुद ही एक कथित तौर पर 2,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स रैकेट से जुड़ी हुई थी। जनवरी 2016 में केन्या में ड्रग स्मगलर की मीटिंग में उन्होंने अपने पति बिकी गोस्वामी के साथ भाग लिया था। बिकी गोस्वामी को भारत का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर माना जाता है। हालांकि अभिनेत्री ने इस आरोप का खंडन किया था। दोस्तों, युवा पीढ़ी में अपने गायन से लोकप्रिय हनी सिंह के गानों में ही नशे का जिक्र होता है। हनी सिंह को भी शराब और ड्रग्स की लत लग गई थी। हनी सिंह भी कुछ दिनों के लिए गायब होकर ट्रीटमेंट लिए थे, जिसका बुरा असर उनके करियर पर पड़ा। उसके बाद कॉमेडियन भारती सिंह पर भी ड्रग्स लेने का आरोप लग चुका है। और फिल्मी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम ड्रग्स के सेवन में आ चुका है। एक वर्ष पहले निर्माता महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट ने ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा, क्या कोई ऐसे लोगों की परवाह करता है जो समाज के अंतिम छोर पर रहते हैं, जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि जीवन का दर्द दूर हो जाए? जो लोग टूटे हुए हैं, क्या कोई उनके पुनर्वास में दिलचस्पी रखता है? तो दोस्तों, कुल मिलाकर बॉलीवुड और ड्रग्स के नाजायज रिश्ते पुराने नहीं हैं। मतलब बॉलीवुड और ड्रग्स का जो कनेक्शन है वो सालों साल से चला आता रहा है। और मैंने इस वीडियो में आपको बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन का इतिहास बताया है। दोस्तों, आर्यन खान के शर्मनाक कार्यों से हम शाहरुख खान को नहीं भूल सकते हैं। शाहरुख खान एक बड़ा चेहरा है बॉलीवुड के नामों में, बॉलीवुड के सितारों में। उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है और काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद रूट लेवल से मेहनत करके आज वो एक बड़े स्टार बने हैं। तो हमेशा एक बड़े स्टार थे, हम उनको हमेशा एक अच्छे सितारे के रूप में मानते हैं, लेकिन आज उनके बेटे के कृत्य से उनका नाम काफ़ी बदनाम हुआ है। तो दोस्तों, ये तो बातें थी ड्रग्स का कनेक्शन बॉलीवुड से, लेकिन अगर हम बात करें तो हमारे भारतवर्ष में प्रत्येक दिन, प्रत्येक साल ड्रग्स के वजह से, नशे की वजह से, गांजे की वजह से, अफीम की वजह से, और भी ऐसे कई सारे नशे हैं जिनकी वजह से लाखों युवक और युवतियां बर्बाद हो रहे हैं, वो फैलता चला जा रहा है। मैं अपने भारत सरकार के सभी सम्मानित बड़े अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ इस पर कोई ना कोई ठोस कदम उठाया जाए ताकि हमारे भारत में जो ड्रग्स का बहाव है वो कम हो।